सोलन में एमआरडी डीएवी स्कूल ने पिछले दिन विद्यार्थियों के परिजनों को सभी ड्यूज क्लियर करने का नोटिस निकाल दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वे सभी ड्यूज को क्लियर नहीं करते हैं तो उनके बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, जिस कारण वे परीक्षाओं में बैठ नहीं पाएंगे। ये नोटिस निकलते ही परिजनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि परिजन अभी तक समझ रहे थे कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके ड्यूज माफ कर दिए गए हैं, लेकिन अब उनसे सभी तरह के चार्ज मांगे जा रहे हैं, इसलिए परिजनों में रोष नजर आया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा परिजनों को परीक्षा का डर दिखाया जा रहा है और पैसे वसूले जा रहे हैं, जो कि सरासर ब्लैकमेलिंग है। इसके लिए वे प्रदेश सरकार से शिकायत करेंगे और शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें वास्तविकता से जानकारी देंगे। रोष व्यक्त करते हुए परिजनों ने कहा कि उनके बच्चों की सोमवार से परीक्षाएं हैं, इस समय उनकी तैयारियां करवाने का समय है, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा तुगलुकी फरमान जारी करके उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिससे वे परेशान हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि वे नियम अनुसार स्कूल की फीस समय पर दे रहे हैं। उनसे वर्ष भर फीस के अलावा स्कूल प्रबंधन ने कोई मांग नहीं की थी, लेकिन अब वर्ष के अंत में उनसे स्कूल प्रबंधन द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वे सारे भुगतान शुरू से अंत तक दें, अन्यथा उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने का एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते वे बेहद चिंतित हैं। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम मंडे से हैं और 2 दिन पहले हमें बोल दिया कि आपके सारे चार्जेस जो कि पहले माफ़ थे एनुअल ड्यू फीस, टू एनुअल चार्जेस थे या स्पोर्ट्स चार्जेस, मल्टीमीडिया चार्जेस, जो ये सब, और अब उसका सारा वो एक बिल बना के हाथ में रख दिया जो 20-25-30 हज़ार 35 हज़ार तक है, और वो बोला 2 दिन के अंदर आप इसको जमा कराओ, अदरवाइज आपका बच्चा एडमिट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और पेपर नहीं दे पाएगा। तो उसमें प्रिंसिपल मैम ने भी सभी से यही बोला गया था, और हम मीडिया के थ्रू भी पता चलता रहता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ये थी कि आपको ट्यूशन फीस देते रहना है स्कूल में। तो प्रिंसिपल मैम ने भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में यही बताया कि ट्यूशन फीस देते रहिए आप, बाकी कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ये चार्जेस लगातार उस पर रिफ्लेक्ट करते रहे ऐप पे, लेकिन खाली ट्यूशन फीस लेके ये लोग बच्चों को ट्यूशन देते रहे हैं। लेकिन इनका ये प्लान कभी क्लियर नहीं था कि आपको सडनली हम जब एडमिट कार्ड देने की बात आएगी उस टाइम पे आपको हम ब्लैकमेल करेंगे, जिस तरह से अभी किया जा रहा है। और बच्चों के थ्रू ये कई पेरेंट्स को कॉल करके ये भी अचानक से 1-2 दिन पहले से मैसेज दिया जा रहा है कि ऑल ड्यूज क्लियर करिए तभी आपके बच्चों को एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, जो कि एक रोष का विषय है। ड्यूज के बारे में जानना चाहते हैं कि ये ड्यूज किस चीज़ के जोड़े गए हैं। हमने हमारे बच्चों ने इनके लैब यूज़ नहीं की है, लाइब्रेरी यूज़ नहीं हुई है, वॉशरूम यूज़ नहीं हुए इनके, तो किस चीज़ के ये अमाउंट जोड़ा जा रहा है, हमें ये क्लियर किया जाए। मेन प्रॉब्लम यही है हमारी कि बच्चों को स्कूल में पेपर देने बिठाया जाए, और जो भी मतलब जो इन्होंने लगाए हैं ड्यूज़ वगैरह जो कंप्लीट करने के लिए बोल रही है, तो हमारे को ये प्रॉब्लम है कि ड्यूज़ क्यों कंप्लीट करें हम ना, हमने कोई ना लाइब्रेरी उनकी यूज़ की हुई है, ना कंप्यूटर, कोई किसी का वो नहीं कर रखा हम लोगों ने। मेन प्रॉब्लम सर यही है हमारी, बच्चा हमारा मंडे को पेपर देने आए बस। स्कूल वाले बोल रहे कि हम लोग लॉस में चल रहे हैं, सर इस टाइम फ़ायदे में कौन चल रहा है कोरोना काल में, पहले तो ये बताएं। सब मुश्किल में है सर, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है 2021 में जो है वो ट्यूशन फीस आई थिंक सिर्फ MRDAV ने बढ़ाई, बाकी सोलन के किसी भी स्कूल ने नहीं बढ़ाई, किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई गई। और दूसरी बात, हमारा स्कूल मतलब बच्चा जो है ना प्लस टू तक अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो हम 15 साल इस स्कूल को दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्री नर्सरी नर्सरी और KG भी हमारा बच्चा यहीं से ही कर रहा है। 15 साल में सर हर साल आप एनुअल चार्जेस और मल्टीमीडिया चार्जेस के रूप में जो हमारे से 20 से 30 हज़ार ले रहे हो सर, जायज़ तो होना चाहिए कुछ, 1-2 साल के लिए तो हमारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री का स्टैंड देखो आप लोग कवर करते रहे, उनका कोई स्टैंड ही नहीं रहा। शिक्षा मंत्री है वो, पूरा प्रदेश देखता है उनकी तरफ को, उनकी तरफ से इनको शय मिलती है। 2 साल का ही चलो मान लिया कि घाटा हो रहा है, 2 साल का घाटा हुआ है मान लिया हमने, उसको देने के लिए भी तैयार है। स्कूल बोले कि भैया हम भिखमंगे हो गए, हम दे देंगे डोनेशन देने के, तैयार है हम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार दे देंगे सारे पेरेंट्स, है ना, करे तो। और कभी इन्होंने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया नहीं किया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन ही नहीं है, दिखाना ही नहीं पड़ता इनको किसी को। नहीं, हमारे सामने घड़ियाली मगरमच्छी आंसू रो रहे हैं कि हमको घाटा हो गया ओवर द पीरियड ऑफ 2 साल, 2 साल जो कि सदी की एक बहुत मतलब कोरोना काल आया है, कब का है, 100 साल में एक बार ही आया होगा।
स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को यह आश्वासन दिया है कि बच्चों के पास बेशक एडमिट कार्ड नहीं होगा, लेकिन उनकी परीक्षाओं में किसी भी तरह का खलल नहीं पड़ेगा। वे अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे, लेकिन परिजनों को अपने ड्यूज क्लियर करवाने ही होंगे।